सतना के भाजपा कार्यालय में सोमवार को एक महिला नेत्री ने अपनी बेटियों के साथ पहुंचकर जमकर हंगामा किया। पर्चा भरे जाने के बाद टिकट कटने से नाराज महिला नेत्री कार्यालय के सामने सड़क पर अपनी बेटियों के साथ धरने पर बैठ गईं और भाजपा जिलाध्यक्ष पर टिकट बेचने के आरोप लगाने लगीं। भाजपा से वार्ड नंबर 28 से पार्षद पद के रीता शर्मा का नाम पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों की सूची में भी शामिल किया गया था, जिसके बाद रीता ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। सोमवार को अचानक उनके होश तब उड़ गए जब उसे यह कहा गया कि वह प्रचार बंद कर दे क्योंकि प्रत्याशी बदल दिया गया है। अब वार्ड 28 में सुशीला सिंह भाजपा प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगी। यह सुनते ही रीता का गुस्सा भड़क उठा और वह अपनी बेटियों और मोहल्ले की कुछ अन्य महिलाओं के साथ भरहुत नगर स्थित भाजपा कार्यालय पहुंच गई। नाराज नेत्री रीता भाजपा कार्यालय में हंगामा करने लगीं। वे बेटियों और महिलाओं के साथ कार्यालय के सामने सड़क पर न केवल धरने पर बैठ गईं, बल्कि यह भी ऐलान करने लगीं कि टिकट वापस ना हुई तो वे यहीं पर परिवार के सहित जान दे देंगी। हंगामा बढ़ा तो पुलिस बुला ली गई और नाराज नेत्री को समझाइश दी जाने लगी, लेकिन वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। लगभग एक घंटे बाद भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री विनोद यादव बाहर आई और रीता शर्मा को कार्यालय के अंदर बुला ले गई, जहां संगठन मंत्री, भाजपा जिलाध्यक्ष, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों ने उनसे बात की। उन्होंने बताया कि टिकट उन्हें ही दी गई है, किसी और को नहीं। किसी ने अफवाह फैलाई है जिससे भ्रम फैला, लेकिन नाराज नेत्री कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। वहीं जिलाध्यक्ष नरेंद्र त्रिपाठी ने इस मामले में कहा कि रीता शर्मा को ही वार्ड नंबर 28 से पार्टी प्रत्याशी घोषित किया गया है, ना तो टिकट काटी गई है और ना ही उसमें कोई बदलाव किया गया है। विरोधियों ने भ्रम फैलाया है जिसमें पढ़कर वो नाराजगी जाहिर करने आ पहुंची है। इसलिए बैठी भाई साहब, 15 तारीख को मुझे भाजपा ने प्रत्याशी घोषित किया 28 नंबर वार्ड से। मैं सुबह तक प्रचार कर रही थी। अब वहाँ कोई नीरज सिंह है, उनकी औरत को की माँ है, मैं नहीं जानती हूँ, मैं कभी नहीं देखी उनको। अब टिकट उनकी हो गई बता रहे हैं। जब मैं जिला अध्यक्ष से बात करना चाह रही हूँ तो जिला अध्यक्ष यहाँ से बिना बात करे निकल के भाग रहे हैं। सांसद जी के पास गया इंसान तो बोले मुझे नहीं पता, ऊपर से कट गई आपकी टिकट। मेरा प्रचार कंप्लीट हो चुका है। और क्या तैयारियां कर ली थी आपने? मैंने पूरी तैयारी, पंपलेट, बैनर सब, बस कार्यालय नहीं खोली थी। अभी परमिशन नहीं मिला था तो कार्यालय नहीं खुला था। कोई पदाधिकारी आपसे मिलने आया? कोई नहीं आया, सब लुक गए। टिकट बिक गई रात को, जिला अध्यक्ष ने बेची है टिकट। पैसा नहीं दिया था टिकट लेने के लिए, इसलिए कट गई। नहीं कहते पैसा नहीं लगता है। हमने तो फिर क्यों कट गई? उसको तो मैंने कभी भाजपा में नहीं देखा वहाँ पे। कहते सर्वे कराया है। काय का सर्वे कराया है? 28 नंबर केवल एक वार्ड का, 45 वार्ड में केवल एक वार्ड का सर्वे हुआ है, बाकी सब मजबूत है। मैं कैंडिडेट कमजोर हूँ। फूती तो भाजपा 30 साल से नहीं जीती। फूती में तो कोई जय श्री राम बोलने वाला नहीं था। अब क्या करेंगे आप? अब मैं जो करूंगी तो करूंगी, यहीं बैठ के करूंगी, यहाँ से नहीं उठूंगी। अनशन पे बैठी है, क्या पूरा मामला है? मामला तो ये मैं खुद नहीं बता सकती, ये ऊपर का मामला है। निर्णय ऊपर से ही आता है, जो भी आता है, है ना? तो मामला मैं मेरे इसमें नहीं है। तो भारत में राम का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। करने की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। राजनीति में देखिए बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, है ना? तो मैं तो ये कहूँगी कि अगर वो नाराज़ है तो मैं उनको कोशिश करूँगी कि मैं उनको समझा पाऊँ, मना पाऊँ। जी, क्या अभी तक आपसे उनसे बात हुई है? अभी तक तो नहीं हुई है, पर कोशिश करूँगी कि मैं उनसे बात करूँ और उनको समझाऊँ। गुड मॉर्निंग टीवी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में दैनिक समाचार पत्र गुड मॉर्निंग का ऑफिशियल चैनल है। खबरों में बने रहने के लिए यूट्यूब में सब्सक्राइब करिए गुड मॉर्निंग टीवी को, और ताजा खबरों और स्पेशल रिपोर्ट सबसे पहले जानने के लिए बेल आइकॉन को दबाइए।